अगर इतना ही डर था तो इस टाइप के वीडियो भी इंस्टाग्राम बहुत ही वायरल है, तो आप भी अपना नॉर्मल वीडियो में कुछ इस प्रकार के एडिटिंग करना चाहते हो तो जस्ट इस वाला वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ा, मैं आपको ए टू जेड सिखा दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो इस टाइप का एडिटिंग करने के लिए चाहिए आपको दो एप्लीकेशन, एक है वीपीएन, तो कोई भी फ्री वीपीएन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, दूसरा कैपकट प्रो। तो इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको कुछ इस टाइप के खाली स्काई में आपको एक्टिंग कर लेना है। तो देख सकते हो जैसे कि मैंने इस टाइप का एक्टिंग कर लिया, आपको भी कर लेना है इस टाइप से एक्टिंग। तो उसके बाद यहाँ से आपको वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस वाला वीपीएन को मैंने डाउनलोड कर लिया, आपको डाउनलोड कर लेना, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैंने होम बैक चलाया, जब कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो ऊपर में आपको न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है, आपको जो परमिशन मांगेगा, उसके बाद आपको इस वाला वीडियो को ले लेना है, नीचे ऐड वाला ऑप्शन से आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उसके बाद यहाँ पे साउंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो साउंड आपको ऑफ कर देना है पूरा। तो साइड में यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ओवरले का ऑप्शन मिलेगा, तो जस्ट ओवरले वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे स्वाइप करके तो ऐड ओवरले कर देना है। ऐड ओवरले करने के बाद इस वाला वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगा, इस वाला वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इसको ऐड कर लेना। तो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपको रोटेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऐसे पकड़ के इसको आपको घुमा लेना है। उसके बाद आपको इसको ऊपर की तरफ आपको लेके जाना है, जब परफेक्ट एडजस्ट हो जाएगा तो साइड में आपको क्या करना, बहुत सारे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, तो इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा आपको मार्क्स बोल के, तो यहाँ पे देख सकते हो एक मार्क्स बोल के ऑप्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पे फास्ट वाला जो ऑप्शन आ गया, तो इसमें क्लिक करके ये जगह वो थोड़ा सा आपको ध्यान देकर देखना है, तो वहाँ नीचे जो टिक वाला ऑप्शन है टिक कर देना, इसको आपको ऐसे घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपको यहाँ पे जो नीचे टिक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्लिक करके इसको नीचे की तरफ करोगे तो देख सकते हो फेड हो गया कितना। आपको ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा सा इस टाइप के नीचे आके इसको आपको ऐसे कर लेना, ये जगह थोड़ा सा आपको ध्यान देकर करना है, बढ़िया बन जाएगा। तो जब ये जगह परफेक्ट बन जाएगा तो नीचे टिक वाला ऑप्शन से टिक कर देना, एक बार चालू करके देख लेना आपको। तो वीडियो का लास्ट में आपको दो चार सैड फोटो या कुछ वीडियो आपको कर लेना है रिकॉर्ड, तो उसके टाइम पे प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्लिक करके जैसे कि मैंने ऑलरेडी टिक करके रखा था, तो प्लस वाला आइकन में क्लिक करके आपको यहाँ से, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक सैड वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी शूट कर रखा, तो इसको मैंने ऐड कर लिया। तो उसके बाद आपको इस पोजीशन में आके इसको वीडियो में टैप कर देना है, टैप करने के बाद नीचे स्प्लिट वाला ऑप्शन से आपको स्प्लिट करना है, नीचे डिलीट वाला ऑप्शन से लास्ट वाला पार्ट को क्लिक करके आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर से आपको ऐड वाला ऑप्शन आना है, और यहाँ पे एक सैड फोटो मैंने क्लिक करके रखा था, उसको भी यहाँ से ऐड कर लिया। तो उसके बाद वीडियो आप जितना सेकंड तक बनाना चाहते हो बस उतना सेकंड तक आपको क्लिक करके आपको फिर से आपको स्प्लिट वाला ऑप्शन से क्लिक करके लास्ट में जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी डिलीट कर देना, उससे नीचे जो पार्ट है उसको भी क्लिक करके स्प्लिट करके डिलीट कर देना। तो वीडियो हमारा पूरा बन के तैयार होगा, तो चलो एक बार चालू करके वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सॉन्ग भाई नहीं चलाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, तो आपको ऐसे सॉन्ग के साथ आपको एडजस्ट कर लेना है। तो वीडियो तो हमारे पूरा एडिट है, उसको सेव करने के लिए ऊपर में जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन दिखाई देता है, तो इसमें क्लिक करके वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेने। तो आज के वीडियो से इतने तक, ये वाला वीडियो को थोड़ा सा चलो तो लाइक कर दें, चैनल में पहले बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक जल्दी।